पवन, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। नई नई नौकरी लगी है और पवन है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की सबसे बड़ी चिंता। आखिर आरबीआई गवर्नर का पवन से क्या लेना देना? पवन का हर अरमान क्रेडिट कार्ड से पूरा हो जाता है, जो कसर बचती है उसके लिए पर्सनल लोन लेने का विकल्प मिल जाता है, यानी कर्ज तक पहुंच बेहद आसान है। लेकिन पवन जैसे लोग ये नहीं समझते कि चाहे क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन, दोनों हैं अनसिक्योर्ड लोन, यानी वो लोन जो बिना किसी कोलैटरल या गारंटी के मिल जाता है। ऑटो और होम लोन होते हैं सिक्योर्ड लोन, जिसमें आप एक ठोस एसेट को कोलैटरल के रूप में रखकर लोन लेते हैं। सिक्योर लोन की तुलना में अनसिक्योर लोन 4 गुना तक महंगा होता है। होम लोन जैसे सिक्योर लोन के ब्याज दर आपको फिलहाल 8-10% के दायरे में मिलेंगे, तो वहीं पर्सनल लोन पर सालाना 12-24% तक का ब्याज वसूला जा रहा है। क्रेडिट कार्ड के लोन पर तो 48% तक ब्याज लगता है। इसके बावजूद बीते 6 महीने में अनसिक्योर लोन की मांग में 10 साल की सबसे तेज बढ़त दिखी है। महंगे ब्याज वाले कर्ज की मांग बढ़ना वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो पर्सनल लोन का ग्राफ किस तेजी से बढ़ रहा है, यानी बैंक कितना पर्सनल लोन दे रहे हैं, कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि बैंकों के पास कुल कितना पर्सनल लोन का पैसा है। तो देखिए इसमें कैसी बढ़ोतरी रही है। अक्टूबर 2021 में 31 लाख करोड़ का पर्सनल लोन जो था बकाया था, यानी लोगों ने इतना पर्सनल लोन लिया था, जो कि एक साल में 37.5 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। सीधे 20% की बढ़त आई है पर्सनल लोन में। बैंकों के क्रेडिट कार्ड के लोन के बकाए में 28% से ज्यादा का हम राइज देख रहे हैं। अक्टूबर 2021 में 1.39 लाख करोड़ का अगर बकाया था बैंकों के पास, तो ये देखिए अक्टूबर 2022 में यही पहुंच के हो गया है 1.79 लाख करोड़ का। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी मोस्ट टेकन लोन रहा है, यानी सबसे ज्यादा लोग इसे लेते हैं। ये भी अनसिक्योर्ड लोन है और इसमें देखिए बढ़ोतरी का ग्राफ और भी तेजी से 57% से ज्यादा की बढ़त दर्ज कर रहा है। पर्सनल लोन की कैटेगरी में एक और अनसिक्योर्ड कोलैटरल फ्री लोन है एजुकेशन लोन। एक सीमा तक एजुकेशन लोन कोलैटरल फ्री रहता है और इसलिए अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में भी आता है। तो इसमें एक साल में 12% से ज्यादा की बढ़त रही है। लेकिन ये जो अनसिक्योर्ड लोन है, ये क्यों चिंता की वजह है? बैंकों के लिए तो ये चिंता की वजह है ही, और मेरे और आपके जैसे ग्राहक के लिए भी ये बहुत बड़ी टेंशन बन सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में आपके पास कोई कोलैटरल नहीं होता, तो इसका मतलब कोई आपके पास बोरोवर का कोई एसेट नहीं है जिसको आप बेच के अपने दी हुई रकम का रिकवरी कर सके। तो ये और ज्यादा डेंजरस हो जाता है अगर बोरोवर का पे बैक हिस्ट्री बहुत खराब है और पैसे वापस लौटाने की नीयत नहीं। मनी नाइन का सर्वे बताता है कि बैंकों के कर्ज में इस वक्त सबसे बड़ा हिस्सा उस तरह के पर्सनल लोन का है जो कि कोलैटरल फ्री होता है, यानी लोग मकान, कार या पढ़ाई के लिए नहीं, रोजमर्रा के खर्च के लिए कर्ज ले रहे हैं। घर का राशन खरीदने, गाड़ी में तेल भरवाने या फिर बच्चों की फीस भरने के लिए भी क्रेडिट कार्ड का सहारा ले रहे हैं। देश में करीब 7% परिवार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कार्ड रखने वाले 50% परिवार उसका ग्रोसरी खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 47% गाड़ी में तेल भरवाते हैं, 38% कपड़े खरीदते हैं और 33% बच्चों की फीस भरने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या बिजली पानी का बिल चुकाया जा रहा है क्रेडिट कार्ड से। मनी नाइन के पर्सनल फाइनेंस सर्वे का एक आंकड़ा आपको थोड़ा सा चौंका सकता है, और ये आंकड़ा हमें बता रहा है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसे कितने अच्छी तरह से जानते हैं। तो 63% लोग ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं था कि उनके क्रेडिट कार्ड में किस तरह के इंटरेस्ट लग रहा है, किस तरह के चार्जेस उनसे वसूले जा रहे हैं। इस जानकारी के बिना वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहीं करीब 65% लोग हैं
जो रोल ओवर करते हैं अपने पेमेंट्स को, यानी अपने पेमेंट को वो अगली साइकिल के लिए बढ़ाते हैं, मिनिमम ड्यू देते हैं और फिर उसे अगली साइकिल बढ़ा देते हैं, यानी उन पर ब्याज की लायबिलिटी और बढ़ती जाती है, जो बकाया पेमेंट है और ब्याज देते जाते हैं, ब्याज कितना दे रहे हैं ये नहीं पता है और ब्याज ज्यादा बढ़ाने के लिए इस पेमेंट साइकिल को बढ़ाते भी रहते हैं। ब्याज और चार्जेस का फायदा देखते हुए बैंक आसान शर्तों पर तेजी से क्रेडिट कार्ड बांट देते हैं। इस पर फिक्रमंद आरबीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की और सितंबर 2022 में 2,90,000 कार्ड बंद किए गए। ये इनएक्टिव कार्ड थे जिन पर फीस और अन्य चार्जेस वसूले जा रहे थे। सरकार ने संसद में बताया कि लोग बड़े लोन की तुलना में छोटे लोन ज्यादा ले रहे हैं, जिनमें डिफॉल्ट भी ज्यादा हो रहा है। छोटे कर्जदारों को समझना होगा कि महंगा अनसिक्योर्ड लोन उनके लिए मुसीबत बन सकता है। फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं जिनको ये मोबाइल फोन पे एप्स के थ्रू जो लोन प्रोविजन मिल रहा है और जिसको वो क्लिक करके इस इजी मनी को एंजॉय कर रहे हैं, उनको ये बात समझ लेनी पड़ेगी कि जब वो अपने पैन और आधार पे उधार का पैसा लिया हुआ वापस नहीं देंगे तो वो एक सिस्टम में एक डिफॉल्टर की तरह बन जाएंगे। फ्यूचर में उनको कभी भी पैसा, कभी भी लोन नहीं मिलेगा। एक बार उनका सिबिल रिकॉर्ड अगर खराब हो गया और एक बार अगर क्रेडिट ट्रैकिंग ब्यूरो में उनका ये इन्फॉर्मेशन चली गई कि इन्होंने कभी भी लिया हुआ पैसा वापस नहीं किया है, तो फ्यूचर में उनका क्रेडिट रिकॉर्ड पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट हो जाएगा या बैडली मार्क हो जाएगा, जिससे उनको फ्यूचर में कभी भी कोई भी फाइनेंशियल सहायता सिस्टम से नहीं मिलेगी। पवन जैसे लोग यही बात समझ नहीं पाते और कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बार बार इसी चिंता को जाहिर कर रहे हैं। जरूरी काम के लिए कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल दोस्त की देखा देखी में क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर महंगा आईफोन या स्मार्ट टीवी लेने में कोई समझदारी नहीं है। आड़े वक्त के लिए क्रेडिट कार्ड उपयोगी रहता है, लेकिन वो तभी जब आप इसके बिल का समय पर भुगतान करते हैं। अगर भुगतान समय पर नहीं कर सकते तो इस कार्ड से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है और पवन को भी अपने खर्चों में इसी मंत्र को अपनाना चाहिए।